जो फेस्टिविटी है, एक्स्ट्रा वेगेंजा है, जो एनर्जी है, मेरे ख्याल में हम सब उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि अमूमन ख्वातीन के इस आलमी दिन के मौके पर अमूमन बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, इनइक्वालिटी की बात होती है, कहीं कहीं तारीख पहलुओं की तरफ इशारा ज़्यादा होता है। लेकिन पीपीएफ और बाकी साथियों ने जो आज की ये जो अहतमाम किया है वुमेन्स जम्बूरी के हवाले से, ये जो इजलास है, पूरी पाकिस्तान से जो ख्वातीन आई हुई हैं, उन बड़ा दिल को बढ़ावा मिला है। जब आप बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी और इन एम्पावर्ड ख्वातीन से मिलते हैं, तो सबसे पहली तब्दीली जो आपके जहन में आती है एम्पावरमेंट के हवाले से, वो ये है कि ख्वातीन कितनी सेल्फ अवेयर हैं, कितनी सेल्फ रिलायंस के रास्ते पे चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी बातचीत में आपको बहुत ज़्यादा कुछ मनफी पहलू मिलेंगे और वो मर्द हजरात को उनके रोल को निगेट कर रहे होंगे। वो इंक्लूजन की खुद बात कर रही हैं और वो बात कर रही हैं कि किस तरह से जुड़ा जा सकता है, अपने आप को अपनी ज़ात के साथ जुड़ा जा सकता है, अपनी जो हाउस होल्ड डायनामिक्स हैं उसको इंटरडिपेंडेंट हो के कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात जो है, वो बेशुमार रंग हैं जो इन ख्वातीन की सूरत में भी हैं और जो इन्होंने काम किया हुआ है, बहुत सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व रही हैं, उसकी रिफ्लेक्शन आपको ये दरो दीवार पर मिल रही है, उनकी बातचीत से मिल रही है, उनकी आँखों से झलकती है। बहुत खुशी है, अल्लाह करे कि वो जो रिपल इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं, ये इवेंट सिर्फ यहीं तक महदूद ना रहे और इन ख्वातीन का कि जो एक पूरा एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, ये ओवरऑल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का बायस बने और ये एक मूवमेंट पूरे पाकिस्तान को पॉजिटिवली अपनी लपेट में ले ले। बहुत शुक्रिया।